हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉगर सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होंगे और परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो यहाँ पे मौसी जी, बाप रे हद है भाई। मौसी जी, कौन से दुनिया से आप, कौन से प्लैनेट से आए हो आप हो यहाँ पे ताला नहीं तोड़ने दे रहे हो, जबकि राधिका का पूरा हक बनता है उस घर में। सिर्फ उस कमरे में नहीं, पूरे घर में हक बनता है राधिका का। आप एक मौसी हो के, वो भी असली हो या नकली, यही समझ में नहीं आ रहा है। आप राधिका को वो रूम में ताला तोड़ने से मना कर रहे हो। अच्छा हुआ राधिका तुम पुलिस को बुलाई, पुलिस आया और यहाँ पे ताला टूटा। नहीं तो ये मौसी जी, ये तो कभी कुछ होने ही नहीं देती। इनका बस चले तो ये तुमको तो घर से पूरा निकाल के बाहर करे, इसलिए तो इनको यहाँ लाया गया है। बहुत ज्यादा ही वेल ट्रेंड मौसी है, जो भी बोलो फ्रेंड्स, इनको तो मैं यही बोलूंगी। वाह, कौन से घूंट पी के आई है, अमृत का भगवान ही जाने। यहाँ कोई एंगल समझी समर की मौसी तो लगती है नहीं। एनीवेज, तुम सबको तो पहली बात मौसी असली है ना कि ये सबूत मांगना चाहिए कि पहले तो आप सबूत दो कि आप असली मौसी हो समर की कि नहीं हो, उसके बाद बाकी का ये सब जो नतीजा कर रहे हो बाद में करना। और यहाँ रहा पुलिस का सवाल, तो पुलिस ने उनको जब पूछा कि क्या हुआ, समर का आपने फोन किया कि नहीं, समर का कुछ पता लगा कि नहीं, आपने कुछ बोला नहीं, तो हो गई बोलती बंद मौसी की। मतलब मौसी यहाँ पे पुलिस को यहाँ पे बहुत ज्यादा लड़ने के लिए रेडी है, मगर इनडायरेक्टली मौसी को यहाँ डर भी लगता है। मौसी के यहाँ पसीने भी छूटते हैं पुलिस को देख के। क्यों? क्योंकि मौसी है नकली। मौसी अगर असली होती तो कभी पसीना नहीं छूटता। और एक बात फ्रेंड्स, अगर मौसी असली होती तो साथ में समर की मम्मी जरूर आती। यहाँ पे समर की मम्मी नहीं है तो उसका मतलब मैं तो यही समझूंगी कि मौसी नकली है और पूरी रटी रटाई गुनगुन के पापा की कोई कलाकार है ये, इसलिए आई है यहाँ पे। इनका माथा पच्ची कर रही है क्योंकि इनको पता है राधिका ऐसे घर छोड़ के जाने वाली है नहीं, और किसी को राधिका के सर में बैठा दिया जाए तो राधिका जरूर आज नहीं तो कल घर छोड़ के भाग जाएगी। और ये समर, ये कब तक भागेगा? आएगा तो दिल्ली शहर में ही, तब तो बेचारे के लिए पूरा जेल यात्रा तो रेडी है ही। तो सेज सजा के रखो मौसी जी, आपका बेटा समर जाएगा जेल में और पीछे पीछे आप भी जाओगी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक क्रिमिनल का आप पक्ष ले रहे हो जिसके ऊपर इतना सारा केस चल रहा है। और ध्रुव, तुम भी प्लीज आओ पुलिस को लेके, और यहाँ पे आके तुम पुलिस को रिपोर्ट करो कि तुम्हारी बीवी भाग गई अपने एक्स हस्बैंड के साथ। तुमको तो ये करना बनता है। देखिए फ्रेंड्स, अब क्या होता है आगे भी देखते हैं हम। चलिए, आज का ब्लॉग जिसको अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।